के साथ सीटी के नाम पर जो चार गुना टॉपर बच्चों को लेके एक बहुत बड़ी नाइन सिख भी चल रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, यूपी की तरफ पर राजस्थान की तरफ पर 15 से 20 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाकर उनके साथ न्याय करने का काम करें, अन्य उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अध्यक्ष जी, हमारे पड़ोसी राज्य हमारे हिमाचल पंजाब राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार को भी इस पर विचार विमर्श करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए विचार करना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है हमारे कर्मचारियों के लिए। नंबर 4, अध्यक्ष जी, खेल कोटा जो पिछली बार ये ट्वीट अभी मलिक साहब भी दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री जी का और खेल मंत्री जी का ट्वीट है, उन्होंने पिछली बार घोषणा की थी खेल कोटा 3% एज इट इज खिलाड़ियों को दिया जाएगा सभी विभागों में, लेकिन मात्र 3 विभाग के अंदर उसको सीमित करके खेल खिलाड़ियों के साथ ये अन्याय किया जा रहा है। इसके ऊपर सरकार को दुरुस्त करना चाहिए, उसको पुनः विचार करके उसको करना चाहिए। दूसरा, मैं पुलिस विभाग के जो ज्वाइनिंग के लिए त्रस्त जो यहाँ पर आंदोलन में कर रहे हैं उन भारतीयों के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार कोर्ट में उसकी पूरी पैरवी करके उनको ज्वाइन कराने का काम करे। इसी प्रकार से 2019 से IIT सेक्टर जिसकी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है लेकिन आज तक उनको ज्वाइन नहीं करा गया है, उनको ज्वाइन कराने का काम करे। मैं यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं सरकार का ध्यान VLD एक ऐसी पोस्ट है जो VLD भर्ती होता है, VLD रिटायर हो जाता है, उसको कोई भी सम्मान का कोई पद या ऐसा कुछ नहीं रहता। VLD वो इतने दिनों से उनकी 4-5 मांगे हैं, उन पर विचार करके उनको करने का काम किया जाए। अध्यक्ष, पटवारी जिसकी जो योग्यता स्नातक करती है लेकिन उसका जो पे स्केल है वो 12th पास के बराबर है, वो बेचारे इतने दिन से सरकार के बुरा लगा आंदोलन कर रहे हैं, उनको स्नातक के बराबर का जो पे